हम बदम हम कदम रवा दवा है काफिला दम बदम हम कदम रवा दवा है काफिला चलो उठो चले चलो सिमट रहा है फासला चलो उठो चले चलो सिमट रहा कौमी असेंबली का इलेक्शन आज 10 करोड़ से कम सरमाए से नहीं लड़ा जाता और इस मुल्क का नाम निहाद इलेक्शन कमीशन वो 10 लाख की 5 लाख से 10 लाख की हद मुकरर करता है। ये नाबीना इलेक्शन कमीशन इस कौम की आंखों में धूल झोंकने वाले इलेक्शन कमीशन ये आज के नहीं ये पिछले 40 साल की हिस्ट्री को देख लें। 3 लाख की हद होती थी 3 करोड़ खर्च होते थे कभी कोई शख्स नायल नहीं हुआ। 5 लाख की हद होती थी 5 करोड़ खर्च होते थे 10 लाख की हद है 10 से 20 करोड़ खर्च होते हैं दुनिया जानती कहां डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब ये लोग बराजमान हुए और 15-15, 20-20 सीटें एक जैसे तबके के हाथ में नजर आती हैं। उसके बाद जाकर कोई एक आध कहीं कहीं ऐसा पॉलिटिकल वर्कर नजर आता है जो बुनियादी तौर पर उस तबके में से तो नहीं था मगर एक अच्छा कारकुन होने के नाते हल्के में काम करने के नाते उसने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेवलप की क्रेडिबिलिटी डेवलप की और रफ्ता रफ्ता वो वहां का नुमाइंदा हो गया जो कई बार इलेक्टेबल बन गया। कई दर्जनों सीटों के बाद आपको एक दो ऐसे कारकुन दिखाई देंगे पूरे मुल्क में सफर करते चले जाएं। नतीजतन शहर सरमायादारों और मालदारों के हाथ में आ गए देहात जागीरदारों के हाथ में रहे। फिर तीसरे अंसर का इजाफा हुआ वह एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का भी मुकम्मल इजारा है इस मुल्क की सियासत पर। कभी एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इक्तदार को पोजेस कर लेती है कभी इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। देखने में सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट की एक नूरा कुश्ती रहती है जंग रहती है मगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो मुल्क में मौजूद हैं वो वन वे और द अदर एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। उनको पाला पोसा गया है उनकी परवरिश की गई है तरबियत की गई है। हर दौर की फौजी आमरियत ने अपने साए के नीचे सियासतदानों को तैयार किया एक नई जमात को जन्म दिया है परवरिश की है 10-10 साल लगाए हैं और लॉन्च किया उनको। और बाद अज़ान जब वो जमातें मजबूत होती हैं फिर वो डेमोक्रेसी और जमहूरियत का और फौजी आमरियत के खिलाफ नारा बुलंद करने के काबिल हो जाती हैं क्योंकि फिर सियासी दौर और जमहूरी दौर आ चुका होता। फौजी आमरियत के दौर में यही लोग उनके साथ मिलकर साजबाज करते हैं लब्बैक कहते हुए और जब इनका दौर आ जाता है तो इनमें से बहुत से लोग इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख कभी खत्म नहीं होता उसकी एक मजबूत मुस्तहकम मुअस्सर इजारादारी है एक तरफ जागीरदार और बड़े लोगों की एक तरफ सरमायादारों मालदारों की एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की ये तीन तबकात हैं। और इस एस्टेब्लिशमेंट में अंदरूनी एस्टेब्लिशमेंट भी दाखिल और बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट भी दाखिल है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं बताइए कि जो इंतखाब 10 करोड़ रुपए के सरमाए से जिसकी एक सीट लड़ी जा सके हार जीत बाद की बात है कम से कम 5-7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक और जिन हलकों में बड़े कंपटीशन है वहां 15-20 करोड़ रुपए तक जो उम्मीदवार एक सीट जीतने पर लगाएंगे मेरा इस पूरी कौम से सवाल है वो इस मुल्क में चेंज लाएंगे वो तब्दीली के अलमबरदार होंगे हरगिज नहीं। वो स्टेटस को के पैदावार हैं और हमेशा स्टेटस को की हिफाजत करेंगे नारा तब्दीली का लगाएंगे या इस्लाम के नारे भी लगते रहे मगर इस्लाम का दाखला नारा लगाने वालों के यहां भी बंद रहा। इस्लाम का नारा सिर्फ मसनद इक्तदार तक ऐवान इक्तदार तक पहुंचने के लिए एक टूल था। यहां गरीब अवाम के नारे भी लगे मगर गरीब अवाम के सिर्फ कंधे थे मसनद इक्तदार पर पहुंचने के लिए गरीब अवाम का इक्तदार के अंदर कोई पार्टिसिपेशन और शराकत न थी। या जमहूरियत के नारे भी लगते हैं जमहूरियत एक टूल है
जस्ट एक धोखा है मसनद इक्तदार और पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए। और 5 साल तक वो जमहूरियत फिर आवाम में से किसी गरीब का हाल पूछने को तैयार नहीं होती। यहां एहतसाब का नारा भी लगा, अकाउंटेबिलिटी का, जिसको जो नारा सूट करता है। जब फौजी आमरियत आती है वो एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस के नारे लगाकर इस मुल्क के इक्तदार पर कब्जा करते हैं, और जब सियासी आमरियत आती है तो वो आवाम और जमहूरियत का नारा लगा के मुल्क की इक्तदार पर कब्जा करते हैं। मगर जहां तक आवाम की हकीकी जिंदगियों में तब्दीली का ताल्लुक है, दोनों अदवार में नतीजा एक रहता है। न किसी फौजी आमरियत में, अयूब खान का दौर देख लें, जनरल जियाउलक का दौर देख लें, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर देख लें, एहतसाब के नामों पर भी आए, इस्लाम के नाम पर भी आए, गुड गवर्नेंस के नाम पर भी आए, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के नाम पर आए, डेमोक्रेसी के नाम पर आए, ये सब धोखे दिए गए। मगर फौजी आमरियतों के दौर में इस मुल्क के करोड़ों आवाम में किसी एक शख्स की जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, किसी के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, किसी को महरूमियों के अंधेरों से निकालने का एहतमाम नहीं किया। फिर सियासी दौर भी आए, सियासी दौर ने जमहूरियत का नाम लेकर सिर्फ पार्लियामेंट क्रिएट की, और जब पार्लियामेंट में आ गए, अब आप अपने हाल को देख लें, लोग कत्ल हो रहे हैं, मुल्क की सालबियत गिरवी रख दी गई, मुल्क की खुद मुख्तारी गिरवी रख दी गई है, पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की कॉलोनी बना दिया गया है, पाकिस्तान ना अपने दाखिली उमूर का फैसला करने में आजाद रहा है, ना अपने रीजनल मैटर्स में डिसीजन लेने में आजाद रहा है, ना अपनी खारजा पॉलिसी में आजाद रहा है, ना अपने डिफेंस डिसीजंस में आजाद रहा है, न मुल्क की दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में कोई फैसला करने में आजाद रहा है। हत्ता के पार्लियामेंट्स रबर स्टैम्प्ड हैं, वो पिछले दौर में भी रबर स्टैम्प थी, आज के दौर में भी रबर स्टैम्प्ड हैं, मगर आज बोली बदल गई, क्योंकि इंतखाब के नाम पर इलेक्ट होकर लोग आए हैं, लिहाजा वो कहते हैं हमें अवाम ने मुंतखब किया है। अब इस मुल्क में जमहूरियत की गरज व गायत, जमहूरियत का रेलिवेंस, जमहूरियत का ताल्लुक अवाम से सिर्फ इतना है, यह हक उनको वोट देने का हर 5 साल के बाद मिलता है, यह है अवाम की जमहूरियत। 5 साल के बाद एक दोबारा मेला लगता है, करोड़ों रुपए खर्च करने वाले कुछ वही खानवादे, कभी उनके बेटे, कभी बेटियां, कभी भतीजे, कभी भतीजियां, और थोड़े से प्लस माइनस के साथ और लोग इन्वॉल्व करके, मगर वो जो करोड़ों लगा सकें, जो करोड़ों 10 करोड़ लगा के असेंबली में आएगा, वो आवाम का पेट भरेगा या अपना पेट भरेगा? वो अगले इलेक्शन के लिए 20 करोड़, 40-50 करोड़, अरब 2 अरब क्यों नहीं बनाएगा? उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोगों को आटे के थैले भी देने हैं, उसने सड़कें भी बनानी है, खंभे भी लगवाने हैं, नालियां भी बनवानी है, लोगों के घर नान भी भेजना है, करप्शन भी करनी है, औलादों और नस्लों के माल भी पालना है, बैरून मुल्क अकाउंट भी बनाने हैं, जायदादें बनानी है, एजेंसियां बनानी है, पूरे मुल्क को लूटेगा नहीं तो और क्या करेगा? मुझे एक शख्स की बात याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक इलेक्शन था मुल्क में, बड़ी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, जिसमें और आज में समझे सैकड़ों गुना अखराजात का फर्क आ गया है। उस वक्त किसी ने बराह रास्त मुझसे कहा था कि इस वक्त तक मैं अपनी पार्टी के इलेक्शन पर या अपने इलेक्शन पर 2 अरब से जायद खर्च कर चुका हूं। यह बड़ी पुरानी बात, मैं इतना जुमला बोल रहा हूं आपको, वो आज के हिसाब से वो जो 2 अरब थे वो 2 खरब बन सकते हैं, आज के हिसाब से वो 2 खरब हैं, 2 बिलियन रुपीज हैं, खर्च कर चुका हूं। मैंने ये पैसे वापस भी लेने हैं जो इन्वेस्टमेंट की है, और फिर जो इन्वेस्टमेंट की है मुझे मालूम है अगला इलेक्शन का वक्त आने तक कई गुना अखराजात बढ़ चुके होंगे, महंगाई, मैंने अगले इलेक्शन के लिए सरमाया भी जमा करना है, उसकी तैयारी भी करनी है, और जो कुछ एट स्टेक लगेगा, रिस्क पर होगा, उसकी कंपनसेशन का भी एहतमाम करना है। तो मुझे बताइए, एक एक इंडिविजुअल करोड़ों रुपए लगाकर जब पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो वो आपका नुमाइंदा होगा, वो इस मुल्क के मेहनतकशों का नुमाइंदा होगा, वो तलबा का नुमाइंदा होगा, वो गरीब आवाम का नुमाइंदा होगा, वो किसानों का नुमाइंदा होगा, वो ताजरों का नुमाइंदा होगा, किसका नुमाइंदा होगा? वो अपने मफादात का नुमाइंदा है, अपनी जाती तरजीहात का नुमाइंदा है।
सो ये इलेक्शन जिसमें एक एक उम्मीदवार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद असेंबली तक पहुंचता है, वो इलेक्शन सबसे बड़ा वाहिद दुश्मन है पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम का। वो कभी अवाम को इन दुखों और मसाइब से रिलीव नहीं दे सकता। हालत ये हो चुकी है कि अब जमातों का मंशूर भी खत्म हो गया है। पब्लिक ने धोखे खा खाकर इस डिसेप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब न कोई मंशूर छापता है, न कोई मंशूर पूछता है। बाज़ औक़ात यक निकाती मंशूर चल पड़ता है, बस एक कह देगा करप्शन के खिलाफ मेरा मंशूर करप्शन का खात्मा है, दैट्स इट। कौम को कुछ पता नहीं कि यह खात्मा किस तरह होगा, इसकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, दाखिला पॉलिसी क्या होगी, रीजनल ताल्लुकात क्या होंगे, बैन अल-अक़वामी पॉलिसी में आजादी कैसे आएगी, कुछ मालूम नहीं, ना कोई पूछने वाला है। एक शख्स कह देगा कि मैं स्विट्जरलैंड की अकाउंट वापस लाऊंगा, बस किसी को इसके अलावा कोई मंशूर पूछने की जरूरत नहीं है। यक लफ्जी नारे मंशूर की जगह ले गए, जस्ट एक वर्ल्ड है, सिंगल सेंटेंस वर्ल्ड। किसी मैनिफेस्टो की इस निजाम इंतखाब में अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब जंग धड़ों के दरमियान शुरू हो गई है। हम हर 4 साल के बाद जीरो पे खड़े होते हैं, और जहां से चले थे कौम वहीं की वहीं खड़ी रहती है। क्या इस कौम ने कभी मुहासबा किया कि सियासी हुकूमतों को क्या हक है कि कौमी इदारों को ताख्तो ताराज करें और बर्बाद करें। हर हुकूमत के बाद आपको मालूम है, अब ये पीपल्स पार्टी की है, हर जगह उनके कैडर आ जाएंगे, मुस्लिम लीग के लगाए हुए सारे अफराद बरतरफ हो जाएंगे, नीचे तक नई भर्तियां हो जाएंगी, पिछले लोग बरतरफ, जॉब्स भी खत्म, पुलिस में वो, थानों में वो, ऊपर आईजीज वो, हत्ता के अदलिया तक के अंदर तकरूरियां करने में मुदाखलत करते हैं, जुडिशरी में, एग्जेक्टिव में, हर जगह हर सतह पर अपने लोगों को लाएंगे। फिर मुस्लिम लीग आ जाएगी या दूसरी कोई और जमात आ जाएगी, सारे कैडर्स खत्म, नए सिरे से तकरूरियां, नए अफसरान, इलेक्शन कमीशन के हेड नए, अकाउंटेबिलिटी कोर्स के हेड नए, तमाम कौमी इदारों के, नेशनल बैंक के हेड नए, स्टेट बैंक के हेड नए, अलगरज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट में जाएं सारे चेंज हो जाएंगे। ऐसा तमाशा मैं कौम को बताना चाहता हूं मीडिया के जरिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मशरक से मगरब तक मैंने दुनिया देखी है, तरक्की जमहूरियत का नाम लेने वाले मुल्कों में ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहती है, उनकी प्लानिंग होती, 3 तरह की प्लानिंग होती हैं। एक बजट बेस्ड एनुअल प्लानिंग होती है। मैं जो कौम को शऊर देना चाहता हूं, अगर कौम एक कौम बनना चाहती है, एक ताबनाक रोशन मुस्तकबिल देखना चाहती है, तो एक एनुअल प्लानिंग होती है, बजट बेस्ड, वो भी कोई नहीं है इस पाकिस्तान में किसी जमात के यहां। एक 5 ईयर्स प्लानिंग होती है, इलेक्शन बेस्ड, जब वो 5 साल के लिए इक्तदार में आए तो 5 साल में यह डिलीवर करेंगे। न कोई डिलीवर करने वाला है, न उस पर मुआवजा करने वाला है, न कोई पूछने वाला है। कौम के अंदर पूछने का शऊर जब बेदार होता है, बम ब्लास्ट करवा दिए जाते हैं, 10-15-20 कत्ल गारतगरी के वाकयात करवा दिए जाते हैं, बरतरफी हो जाती है, कोई नया इवेंट हो जाता है, नए इशू क्रिएट हो जाते हैं, ताकि मीडिया और कौम की सारी तवज्जो उस तरफ लग जाए। यह पूरा घनौना खेल है जो सियासी क्यादत तसलसल के साथ पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम से करती रहती है। इश्यूज पर तवज्जो न रहे, और जब वो रो पीट कर बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको बिजली में सहूलत दे दी जाती है 4 दिन, ताकि उनका गैज व गजब ठंडा घर चले जाएं। 4-5 दिन के बाद फिर उसके बाद हालात वही। 5 साल के बाद इस कौम को बेवकूफ बनने का मौका दिया जाता है, तो सिर्फ अवाम को 5 साल बाद एक वोट की पर्ची दोस्त धांधली फ्रॉड के साथ डालने का मौका मिलता है, और उसमें भी खुफिया हाथों के अमल दखल जारी रहते हैं। अगर तो इसका नाम निजाम है, ए ठाटे मारता हुआ समंदर मेरी आंखों के सामने, मुबारकबाद देता हूं, मेरा दिल खुश कर दिया है, लाहौर की तारीख रकम कर दी है, मीडिया इसको रिकॉर्ड में ले, और खुदा के लिए कराची से पिशावर तक कौम को दिखाए कि अवाम, अरे अवाम तो आज नहीं आए, अवाम तो अगली काल पर आएंगे मेरे, जब मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा मीनार पाकिस्तान पर, मीनार पाकिस्तान पर बुलाऊंगा। कौम का नौजवान जाग उठा है, ठाके मारते हुए समंदर ने पैगाम दे दिया है, और मैं यहां बैठा हूं, अभी लाहौर नहीं आया, जब पूरी कौम को बुलाऊंगा तो आप, अगर कौम ने मुतालबा किया तो मैं लैंड भी करूंगा, आपके अंदर हूंगा, आपके सामने।
उस इनकलाब के लिए। मगर सबसे पहले मैं आपके शऊर को बेदार देखना चाहता हूं, आपके अंदर एक आग लगाना चाहता हूं, सच्ची तड़प देखना चाहता हूं कि क्या आप तब्दीली इनकलाब के लिए तैयार भी हैं। अगर तो ये जमहूरियत और ये निजाम है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, इसके कोई नतायज नहीं है, कभी भी ना वसूल हुए ना आइंदा होंगे। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि चेंज तो इस रास्ते से नहीं आ सकती। अगर आप जायजा लें तो आप इत्तेफाक करेंगे इस बात के साथ कि डेमोक्रेसी की तारीफ करते हुए, जमहूरियत की तारीफ करते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी दुनिया, यूएनओ और पूरी दुनिया के बैन अलाक़वामी इदारे और सर्वे करने वाली सारी कुव्वतें वो एक कंसेप्ट पर मुत्तफिक हैं कि जमहूरियत सिर्फ इंतखाब का नाम नहीं, जमहूरियत का एक पैमाना है, जमहूरियत नाम है पूरे निज़ाम का। ये यूएनओ के रेजोल्यूशन 2001 जनरल असम्बली का कि इलेक्शन सही मानों में जेन्युइन इलेक्शन हो, नंबर टू लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उस इलेक्शन में वो जेन्युइन पार्टिसिपेशन हो, और पार्टिसिपेशन का माना वो ये लेते हैं यूएनओ की तारीफ में, जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में, कि उनका पॉलिसी मेकर्स पर मुआखजे का हक हो आवाम का। अगर उनके मकासद पूरे ना हो तो मुआखजा करके उन्हें विदड्रॉ कर सकें अपना दिया हुआ मैंडेट। अब मुझे बताइए इस मुल्क में, इस मौजूदा निजाम में आवाम के पास ये इख्तियार कब है कि 5 साल तक उससे विदड्रॉ कर सके मैंडेट। विदड्रॉ करने के इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ये नहीं है कि उसको डिक्लेयर कर दें, कि मेथड्स हैं, यानी आवाम की गिरफ्त और मुअसरियत इतनी ताकतवर है कि पार्टीज को एक्शन लेना पड़ जाता है। और इंतखाब और जमहूरियत के नतीजे में याद रखें, बैन अलाक़वामी तौर पर यह तयशुदा रिसर्च की बात है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वजूद में ना आए, जमहूरी हुक्मरानी, तो वह जमहूरियत नहीं है। मैं उस निजाम को मुस्तरद कर रहा हूं जो हकीकी जमहूरियत का बायस नहीं बनता, जो इस मुल्क में जमहूरी हुक्मरानी नहीं लाता, अवाम की पार्टिसिपेशन। इसलिए जमहूरियत का इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना जरूरी है, सोशल डेमोक्रेसी हो, तब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वजूद में आएगी। अब तमाम तबकात की शराकत और शिरकत को यकीनी बनाया जाए इस पाकिस्तान के निजाम को जिसे जमहूरियत का नाम दिया जाता है। बताइए अवाम की पार्टिसिपेशन क्या है और कहां है सिवाय 5 साल में एक मरतबा वोट डालने के? क्या इसी को आज मगरबी दुनिया और जमहूरी दुनिया क्या इस शराकत को जमहूरियत के लिए काफी समझती है? जवाब नफी में है। जमहूरी हुक्मरानी की तारीफ कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी चाहिए। इस मुल्क में गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कानून और है, महकूम के लिए कानून और है, हुक्मरान के लिए कानून और है। हुक्मरान ताकतवर है और कानून कमजोर है, उसे कानून को डेफर करने के हजार हथकंडे उसके हाथ में हैं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, कमेटियां बना दे, कमीशन बना दे, डेफर कर दे, इंप्लीमेंटेशन के लिए अफसरों को चेंज कर दे, अपीलें कर दे, रिव्यू पटिशन कर दे, साल हा साल लटकाते चले जाएं, लोगों के साथ 10-10 साल फैसले नहीं होते करप्शन के, इसलिए कि मुल्क में कानून कमजोर है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तीसरी शर्त है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। जिन मुल्कों में जमहूरियत है वहां मीडिया के जरिए पार्लियामेंट में हर एक को एक एक चीज की खबर होती है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या डिसीजंस हो रहे हैं, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, हर एक शहर को चैलेंज किया जाता है, या फिक्स्ड मैच होते हैं, अदल और इंसाफ मिले, यानी तमाम लोगों को अपनी जिंदगी के हालात को बुनियादी जरूरियात की रोशनी में तरक्की देने और अपनी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बराबर अपॉर्चुनिटीज और बराबर मौके दें, यह जमहूरी हुक्मरानी की तारीफ है। फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटी उनका मुआवजा कर सके। मैं परवेज मुशर्रफ साहब की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम मुआवजा कर सके। यहां तो यह आलम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी की सनद को जाली डिक्लेयर कर दिया और वो झूठ बोलकर वोट लेके आया था तो 3 महीने के अंदर उसी हलके से दोबारा जीत कर उन्हीं लोगों से दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। क्या मुआवजा है? कोई आजादी है राय नहीं। आजादी है राय इसको कहते हैं, फेयर एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, कि मगरबी दुनिया में
शौहर को मालूम नहीं होता कि उसकी बीवी किसको वोट देने जा रही है, दोनों वोट देने जाते हैं, डिस्कस भी नहीं करते। शौहर दूसरी पार्टी को वोट देता है, औरत किसी और पार्टी को देती है। वालदैन किसको वोट दे रहे हैं औलाद को पता नहीं होता, वो उन पर कुने कंपेल नहीं कर सकते। कुलीस को कुलीस का पता नहीं होता, खामोशी से जाके वोट दे आते हैं। एक शख्स दूसरे की राय पे असरअंदाज नहीं होता। पाकिस्तान में जिसको आप निजाम कहते हैं उसमें यह खूबी है, पुलिस असरअंदाज होती है, थानेदार, एक माहौल बनाया जाता है, मीडिया असरअंदाज होता है उम्मीदवारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज होती है, डीसीओ असरअंदाज होता है, एसपी थानेदार असरअंदाज होते हैं, गुंडे पाले हुए हैं बड़े बड़े ताकतवर लीडरों ने अपने हलकों में, उनकी बंदूकें असरअंदाज होती हैं, कईयों को हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है, दो चार कत्ल जरूर करवाते हैं अपने हलकों में ताकि बाकियों को सबक मिल जाए। पैसा असरअंदाज होता है और लोगों के शऊर का आलम यह है, वो कहते हैं खंबे बिजली के लगवा दें, वोट इलेक्शन का ऐलान होते बिजली के खंबे बिछ जाते हैं, सड़कों के लिए ईंटें शुरू हो जाती हैं, नालियां शुरू हो जाती हैं, आटे के थैले तकसीम होते हैं, रोजगार जाली मिलते हैं, पैसा बांटा जाता है। ये इस मुल्क का इलेक्शन है, ये निजाम इंतखाब है, और इसके नतीजे में वजूद में आने वाली शय को जमहूरियत कहते हैं। न ये जमहूरियत है, न ये जमहूरी हुक्मरानी है, न ये निजाम इंतखाब है, ये पूरी दुनिया के निजाम के खिलाफ एक नया तरीका है जिसने पाकिस्तान को तबाही और पसमानदगी के गड़े में फेंक रखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी होती है, पॉलिसीज को देखा जाता है कि नतायज पैदा हुए कि नहीं, वन ईयर प्लान के नतायज क्या है, टू ईयर्स में क्या है, फाइव ईयर्स में क्या है, हर स्टेज पर लोग मुआवजा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, ट्रांसपेरेंसी होती है, हर चीज उनकी आंखों के सामने होती है। ये शरायत अगर सारी जमा हो तो इन शरायत के जमा होने को जमहूरियत कहा जाता है, और जमहूरियत डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बगैर इसका कोई वजूद नहीं है। इसके लिए लाजमी है कि लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलें, सिविल राइट्स मिलें, कल्चरल मिलें, इकोनॉमिक मिलें, पॉलिटिकल मिलें, सोशल मिलें, इंस्टीट्यूशंस डेवलप हों, ताकत अफराद के हाथ में ना हो बल्कि इदारों के हाथ में हो, और गारंटी हो उन पॉलिसीज की अमल दरामद की, कोई किसी को मर्जी से ना लगा सके ना हटा सके। फिर हेल्थ, लोगों को हेल्थ की सहूलत मिले, एजुकेशन की सहूलत मिले, मुनासिब हाउसिंग मिले, मकान मिले, सफिशियंट खुराक मिले, साफ सुथरा पानी मिले, इलाज मुआवजा की सहूलत मिले, जिंदगी और जान माल का तहफ्फुज मिले, रोजगार के मौके मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, हर शख्स को फेयर जस्टिस और उसका अदल और इंसाफ मिले, जाती सिक्योरिटी मिले। ये 10 शरायत हैं, अगर ये जमा हो तो इसको निजाम जमहूरियत का नाम दिया जाता है। मुझे इन 10 में से एक बता दें जो पाकिस्तान में इन नाम नहाद इंतखाबात के नतीजे में कौम को मिली हो। ये जिसे आप जमहूरियत कहते हैं उस जमहूरी असेंबली और गवर्नमेंट ने इन 10 में से कोई चीज दी हो। ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं मिली, लोगों को खुराक, उनका हक, रोजगार कभी नहीं मिला। अब तो पानी भी छिन गया, अब बिजली भी छिन गई, अब आटा भी छिन गया, अब सुई गैस भी छिन गई, जान का तहफ्फुज नहीं मिला। कानून में अदल और इंसाफ गरीब धक्के खाता है 20-20 साल, 30-30 साल। मैं जब प्रैक्टिस करता था एज लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जंग में, तो मेरे पास एक केस आया, वो दादे ने दायर किया था, दादे ने, और दादा मर गया, बाप मर गया, पोता मेरे पास फाइल केस की लेके आया, और सारा पीछे वो के दोबारा नए सिरे से उस केस को सिविल कोर्ट में शुरू करने के ऑर्डर्स हो गए थे। मैंने उसको कहा इससे जितना, जिस जायदाद का केस था उससे कितना गुना ज्यादा लगा चुके हो। उसने कहा वो जायदाद भी बिक गई, अब तो सिर्फ गैरत के लिए लड़ रहा हूं। इस कौम को इस हद तक बेशऊर बना दिया गया, किसको इंसाफ मिलता है? इंसाफ लौंडी है मुक्तदिर तबकात की, कानून लौंडी है ताकतवर लोगों की, अदल लौंडी है ताकतवर लोगों की, जमहूरियत अय्याशी है ताकतवर लोगों की, इंतखाब कारोबार है ताकतवर लोगों का, और अवाम वो उनके कारिंदे हैं, गुलाम हैं। 5 साल के बाद उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, अवाम मुशक्कती हैं। लोगों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है ये किसी कीमत पर जमहूरियत नहीं है।
और ना ये निजाम इंतखाब है और ना इस तरीके से कभी तब्दीली आएगी। आप अगर तब्दीली चाहते हैं तो इसका रास्ता फकत एक है, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। तब्दीली, मैंने कहा, न ताकत और बंदूक से आएगी, यह दहशतगर्दी का रास्ता है। तब्दीली न फौज के जरिए आएगी, आमरियत का रास्ता है। और मैंने कहा न मौजूदा निजाम इंतखाब के जरिए तब्दीली आएगी, यह करप्शन खोलने का रास्ता है। अब आखिरी बात सुन लीजिए, तब्दीली कैसे आएगी? इस निजाम इंतखाब के खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो जाइए, तब्दीली का रास्ता है। मुस्तरद कर दीजिए इस निजाम इंतखाब को, इस मोनोपोलिस्टिक करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ खड़े होइए। आप पूछें किस तरह? यह निजाम इंतखाब, यह नाम नेहाद करप्ट जमहूरियत का नाम, यह आपके मुल्क का रजा शाह पहलवी है जिसके खिलाफ ईरानी कौम उठी थी। यह निजाम इंतखाब आपके मुल्क का हुस्नी मुबारक है जिसके खिलाफ मिस्र की कौम उठी। यह निजाम इंतखाब आपके मुल्क का कजावी है जिसके खिलाफ लीबिया उठा। इस निजाम के खिलाफ उस तरह उठिए जिस तरह ट्यूनस के लोग उठे, तख्ता उलट दिया। लीबिया के लोग उठे, तख्ता उलट दिया। मिस्र के लोग उठे, तख्ता उलट दिया। अब एक बात है, या सियासत बचाइए या रियासत बचाइए, किसको बचाना चाहते हैं? सियासत इस निजाम इंतखाब के जरिए कौम से धोखा देने का नाम है, इसे मुस्तरद कर दे। मुल्क की सियासत नहीं, रियासत बचाएं, आईन बचाएं, दस्तूर बचाएं, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान बचाएं। रियासत और आईन को बचाने का एक ही रास्ता है और कौम के मुकद्दर को संवारने का और दोबारा रोशनी देने का एक ही रास्ता है, तब्दीली का, तब्दीली का, तब्दीली का। इस निजाम इंतखाब के खिलाफ बगावत, इस निजाम इंतखाब के खिलाफ बगावत, इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बगावत। उठाओ, करप्शन के बागी बन जाओ, इस निजाम इंतखाब की साजिश के बागी बनो, ताकि रियासत को बचाओ, पाकिस्तान के आईन को बचाओ और कायदे आजम के बनाई हुई मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को बचाओ। जब इसके साथ उठेंगे, उस वक्त कोई लीडर नहीं था, लीबिया में कोई लीडर लीड नहीं कर रहा था, ट्यूनिस में कोई लीडर नहीं था, मिस्र में कोई लीडर नहीं था, ईरान में खुमैनी बाद में 15 दिन बाद आया, रजा शाह पहलवी फ्लाई करके मुल्क छोड़ के जा चुका था। लीडरों का इंतजार न करें, लीडरों ने कौम को बांट दिया है, दरों में तकसीम कर दिया है। ये कभी कौम को यूनाइट नहीं होने देंगे निजाम के खिलाफ बगावत पर। कौम खुद क़यादत करे, अगर घर बैठकर मर जाना है भूख से, इफलास से और दहशतगर्दों के हाथ से, तो बाहर निकलो, इज्जत की मौत मरो इस कौम को जिंदा करने के लिए। इस फरसूदा करप्ट निजाम के खिलाफ बगावत करें, इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दें, पूरी कौम यकजा होकर सड़कों पर आए। जब पूरी कौम समंदर की तरह आ जाएगी और कहेगी कि हमें साजिश पर मबनी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और निजाम इंतखाब नहीं चाहिए, जब आप कौम की ताकत देखेगी, तो सुप्रीम कोर्ट आपका कौम की आवाज पर एक्शन लेने पर पाबंद हो जाएगी। फिर एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो दयानतदार, मोतमद, नॉलेजेबल लोगों की हुकूमत 3-5 साल के लिए आए, जिसको सियासी इंतखाबात नहीं ला सकते, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन, आईनी इंटरवेंशन के जरिए, फौजी नहीं, गैर फौजी और गैर सियासी, ट्रस्टवर्दी, मोतमद, ईमानदार, काबिल, नॉलेजेबल लोगों की एक हुकूमत चाहिए जिसमें हर तबके के नुमाइंदा अफराद लें, फिर मुस्लिम लीग से भी लें बाकिरदार कुछ अच्छे चेहरे, पीपल्स पार्टी के भी लें अच्छे लोग, हर जमात से लें और फिर इंटेलिजेंशिया से लें, मईशतदानों से लें और इसी तरह मीडिया से लें, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर से लें, टेक्नोक्रेट से लें, ब्यूरोक्रेट से लें, हर तबके के काबिल एतमाद, साफ सुथरे लिबास वाले दयानतदार, डिलीवर करने के काबिल, उन पर मुश्तमिल कैबिनेट और एक टीम बने जिसे 3 साल कम से कम या 5 साल मौका मिले गंद साफ करने का, निजाम इंतखाब को बदलने का, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का, इस कौम के मसाइल पर तवज्जो देकर एक नया रास्ता बनाने का। पाकिस्तान को नए सिरे से तामीर करने का वक्त आ गया है और नए सिरे से तामीर इस फरसूदा निजाम इंतखाब के जरिए नहीं, इसके खिलाफ बगावत के जरिए होगी। उठो, पाकिस्तान को फिर से A1 से शुरू करें
और इसको संवारने के लिए हम फरसूदा निज़ाम को इस अजीम कौमी बगावत की शक्ल में मुस्तरद कर दें, ताकि रियासत बचा लें, आइन बचा लें, मुल्क बचा लें और कौम को बचा लें। यह मेरा पैगाम है। इसके जरिए इंशाअल्लाह एक रोशन सवेरा शुरू होगा। एक डॉक्टर महातीर मोहम्मद चाहिए इस कौम को, इस कौम को एक माउज़े तुंग चाहिए और आज के दौर का डॉक्टर महातीर मोहम्मद चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कौम को एक वहदत मिले, एक जहत मिले, सिमत मिले, किरदार मिले, यूनिटी मिले, प्लानिंग हो, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, गुड गवर्नेंस की बुनियादें रखी जाएं और जमहूरियत के नए हद व खाल वजा किए जाएं, नया निज़ाम इंतखाब बनाया जाए, ताकि नई क़यादत को उभारने के लिए रास्ता हमवार हो सके। ये वाहिद रास्ता है मेरी समझ में। मेरा फ़र्ज़ था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे समझ में दिया, तवील सोचो विचार के बाद मैं पूरा फिक्र और उसका निचोड़ और मगज़ कौम के सामने रख दूँ। मेरी दरख्वास्त है मीडिया से कि जहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू हर रोज़ डिस्कस करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस कीजिए। उन एंकर्स और उन लोगों को लाएं जो इस निज़ाम से मायूस हैं और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत के हक़ में हैं, उन्हें भी डिस्कशन में शामिल करें, कौम को सुनाएं। मीडिया माइंड मेकिंग का किरदार बनाता है। जितनी डिस्कशन होगी, कौम के अंदर सोई हुई आवाज़ बेदार होगी, सोचें बेदार होंगी और रफ्ता रफ्ता एक राय बनेगी, फिर राय जाकर कि हाँ इसी निज़ाम इंतखाब से हासिल करनी है मंजिल, या इस निज़ाम इंतखाब को ठुकरा कर एक दरमियानी वस्त मुद्दती 3 से 5 साल तक एक काबिल दयानतदार नुमाइंदा हुकूमत के जरिए करनी है, जो इस मुल्क को सही निज़ाम दे सके और फिर इलेक्शन कराए उस नए निज़ाम के तहत, ताकि अच्छी क़यादत आ सके। इसको मीडिया पर डिस्कस कराएं। नौजवानान मोहतरम, अजीज़ तलबा और तालिबात, आपको मुबारक हो इस अजीम रैली पर। आपके ठाठे मारते हुए समंदर ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया पूरी कौम को बार बार इसको कई दिन दिखाता रहेगा। इस पैगाम को घर घर पहुँचाएँ, लोगों का शऊर बेदार करें। ये बेदारी शऊर की मुहिम के सिलसिले की अहम कड़ी थी। इस शऊर को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि पाकिस्तान को बचाने और अपने वतन अजीज़ को संवारने का फरीज़ा अंजाम दे सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे आइन की हिफाजत करे, हमारे वतन की हिफाजत करे, हमारी कौम की हिफाजत करे और ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस काबिल बने और इसकी नस्लें आइंदा पूरे आलम इस्लाम और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की क़्यादत करने के काबिल हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मा अलैना इल्ला अल बलाग। हम कदम रवादवा है काफिला, दम बदम हम कदम रवादवा है काफिला, चलो उठो चले चलो सिमट रहा है फासला, चलो उठो चले चलो सिमट रहा है फासला।